पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। मेरे पास सिवाय प्रेम के कुछ देने को नहीं है, आप चाहें उसे स्वीकार करें या न करें। जैसे कोई फूल खिल जाता है तो उसकी सुगंध फैल जाती है, फिर चाहे आप अपनी नाक बंद कर लें, रोशनी होती है, सुबह सूरज निकलता है, फिर चाहे आप आँख बंद करके बैठ जाएं, स्वीकार न करें। हवा का झोंका आता है, आप चाहे अपने दरवाज़ा बंद कर लें, ऐसे में मेरा प्रेम आपके पास आता है, हवा के झोंकों की तरह, फूल की सुगंध की तरह, सूरज की रोशनी की तरह। ये आपके हाथ में है, आप इसे स्वीकार करें या न करें। जो मेरे पास है, जो मेरे निकट है, जो मेरे प्रेम में है, उनके प्रति मेरा प्रेम है। जो मेरे पास नहीं है, जो मेरे विपरीत भी है, मेरे विरोध में भी है, जो मेरे निकट में भी नहीं है, उनसे भी मेरा प्रेम है। उसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं, वही एक देने को है, और कुछ है नहीं। मेरा जो प्रेम है उसके नहीं होने का कोई उपाय नहीं। जो मुझे चाहिए मुझे मिल गया है, जो मुझे चाहिए भरपूर मिल गया, और अब उससे आगे पाने को कुछ नहीं है। एक मित्र ने पूछा है, मैंने सत्य को या परमात्मा को पाने की जो विधि बताई है वह सबका निषेध करके स्वयं को जानने की है, क्या इससे उल्टा नहीं हो सकता कि हम सब में ही परमात्मा को जानने का प्रयास करें, सर्व में वही है यह भाव करें। इसे थोड़ा समझना उपयोगी हुआ। जो व्यक्ति स्वयं में परमात्मा को नहीं जानता है वह सर्व में भी उसे कभी नहीं जान सकता, और जो अभी स्वयं में भी उसे नहीं पहचान पाया है वो और किसी में उसे नहीं पहचान सकता है। स्वयं का मतलब है जो मेरे निकटतम है, फिर तो कोई भी होगा, तुम उससे थोड़ा दूर और दूर और दूर होगा। जब निकट तक मैं हूँ उसमें भी मुझे परमात्मा न दिखाई पड़ता हो तो जो मुझसे दूर है उसमें तो कभी भी दिखाई नहीं पड़ सकता। पहले तो स्वयं में ही जानना होगा, पहले तो जानने वाले में ही जानना होगा, वह निकटतम द्वार है। लेकिन ध्यान रहे, यह बहुत मजे की बात है, जो व्यक्ति स्वयं के द्वार में प्रवेश करता है वो अचानक सर्व में प्रविष्ट हो जाता है। स्वयं का द्वार ही स्वर्ग का ही द्वार है। जो अपने भीतर प्रवेश करता है वह भीतर पहुंचते ही पाता है कि वह सबके भीतर पहुंच गया, क्योंकि बाहर से हम सब भिन्न भिन्न हैं, भीतर से हम भिन्न भिन्न नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति एक वृक्ष के एक एक पत्ते को बाहर से खोजना जाए तो सभी पत्ते अलग अलग हैं। अगर कोई एक पत्ते के भी भीतर प्रविष्ट हो जाए तो वह वृक्ष की मूल धारा में पहुंच जाएगा, जहां सभी पत्ते इकट्ठे हैं। एक एक पत्ते को अलग से देखेंगे तो एक एक पत्ता अलग है, लेकिन किसी भी पत्ते को भीतर से जान लें तो उस वृक्ष की मूल धारा में पहुंच जाएगा, जहां से सारे पत्ते निकलते हैं और जहां सारे पत्ते विलीन हो जाते हैं। यदि हम अपने भीतर उतर जाएं तो हम सर्व के भीतर उतर जाते हैं। जब तक हम अपने भीतर नहीं उतरे हैं तभी तक मैं और तू का भेद है। जिस दिन हम मैं के भीतर उतर जाएंगे उसी दिन मैं भी मिट जाता है और तू भी मिट जाता है, उस दिन सर्व ही शेष रह जाता है। असल में सर्व का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं और तू के जोड़ का नाम सर्व है, ऐसा नहीं है। सर्व का अर्थ मैं और सब तू का जोड़ नहीं है। सर्व का मतलब है जहां मैं न रह गया तू न रह गया फिर जो शेष रह जाता है उसी का नाम सर्व है। अगर मेरा मैं अभी मिटा नहीं है तो मैं सर्व का जोड़ ही कर सकता हूं, लेकिन वह जोड़ सत्य न होगा। मैं सारे पत्तों को भी जोड़ लूं तो भी वृक्ष नहीं बन सकता। यद्यपि वृक्ष में सारे पत्ते जुड़े हैं, वृक्ष सारे पत्तों के जोड़ से ज्यादा है। असल में जोड़ से कोई संबंध ही नहीं, जोड़ना ही गलत है। जोड़ने में हमने अलग अलग मान लिया, वृक्ष अलग अलग है ही नहीं। जैसे ही हम मैं में उतर जाए तो वैसे ही मैं विलीन हो जाता है। स्वयं में उतरते ही जो सबसे पहली चीज मिटती है वह स्वयं का होना है, और जहां स्वयं मिट गया वहां तू भी मिट गया, पराया भी मिट गया, फिर जो शेष रह जाता है वह सर्व है। और उसे सर्व कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि सर्व शब्द पुराने अहंकार की ही भाषा है। इसीलिए जो जानते हैं वे उसे सर्व भी न कहेंगे, क्योंकि वे कहेंगे किसका जोड़ कौन सब, तब वे कहेंगे एक ही बच जाता है। लेकिन वे शायद एक कहने में भी हिचकेंगे, क्योंकि एक कहने से दो का ख्याल पैदा होता है।
लेकिन ऐसा लगता है अगर एक बच जाता है तो एक का कोई अर्थ ही नहीं होता दो के बिना, और दो हो तो ही एक होता है। इसीलिए वे जो और समझ पाते हैं वे यह भी नहीं कहते कि एक ही बच जाता है, वह कहते हैं अद्वैत बच जाता है। वे यह नहीं कहते कि दो नहीं बचते हैं, वे यह नहीं कहते कि एक बच जाता है, वे कहते हैं दो नहीं बचते, इसीलिए अद्वैत है। अद्वैत का मतलब है जहाँ दो नहीं, और यह उल्टा कहने की क्या जरूरत है, सीधा कहो ना एक है। लेकिन एक कहने में खतरा है क्योंकि एक से दो का ख्याल पैदा होता है, और जब हम कहते हैं जहाँ दो नहीं वहाँ तीन भी नहीं, वहाँ एक भी नहीं, वहाँ अनेक भी नहीं, वहाँ सर्व भी नहीं। मेरे पास एक फकीर को लाया गया, बहुत दिन हुए। जो लोग उन्हें लाए थे उन्होंने मुझसे कहा, फकीर को सब जगह परमात्मा का दर्शन होता है, आज 30 वर्षों से निरंतर उन्हें प्रत्येक चीज में परमात्मा के दर्शन होते, फूल में, पौधे में, पत्थर में, सब में। मैंने उन फकीर से पूछा, आपको ये दर्शन किसी अभ्यास से तो नहीं हुए? अगर अभ्यास से हुए हैं तो दर्शन बड़े झूठे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं समझा नहीं। तो मैंने उनसे कहा, क्या आपने कभी सब में परमात्मा को देखने की कल्पना और कामना तो नहीं की थी? तो उन्होंने कहा, निश्चित ही 30 वर्ष पहले मैंने वह साधना शुरू की थी कि मैं प्रत्येक चीज में परमात्मा को देखने का प्रयास करता था, पत्थर में भगवान, पौधे में भगवान, पहाड़ में भगवान, सब में भगवान, इसको मैं देखने का प्रयास करता था, फिर मुझे भगवान दिखाई पड़ने लगे। तो मैंने उनसे कहा, 3 दिन मेरे पास रुक जाएं और 3 दिन कृपा करके प्रयास न करें, सब में भगवान है इसका कोई प्रयास न करें। वे मेरे पास रुक गए। दूसरे दिन सुबह उन्होंने कहा, आपने तो मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया, 12 घंटे मैंने प्रयास नहीं किया तो मुझे पत्थर पत्थर दिखाई पड़ने लगा, पहाड़ पहाड़ दिखाई पड़ने लगा, आपने तो मेरा भगवान छीन लिया, आप कैसे आदमी हैं, आपने तो मुझे बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। तो मैंने उनसे कहा, जब भगवान 12 घंटे अभ्यास छोड़ने से छूट जाता हो, वह भगवान था ही नहीं, सिर्फ अभ्यास का भ्रम था, जैसे कोई चीज आदमी जोर जोर से दोहराता रहे तो एक तरह का भ्रम पैदा कर लेता है। पत्थर में भगवान देखना नहीं है, स्थिति में पहुंचना है जहां पत्थर में भगवान के सिवाय कुछ और देखने को शेष नहीं रह जाता है। ये दोनों बातें एकदम भिन्न है। पत्थर में भगवान देखने की कोशिश से पत्थर में भगवान दिखाई पड़ने लगेंगे, लेकिन वे भगवान आपकी ही कल्पना को पत्थर पर आरोपित किया गया है, आपने ही थोप दिया है पत्थर के ऊपर भगवान को। वे भगवान बिल्कुल आपके बनाए हुए हैं, वे भगवान बिल्कुल आपकी कल्पना का विस्तार है, वे भगवान आपके सपने से ज्यादा नहीं है, और दोहरा दोहरा कर आप सपने को मजबूत करते रहेंगे, बराबर दिखाई पड़ते रहेंगे, लेकिन यह भ्रम जाल में जीना है, यह किसी सत्य में उतर जाना नहीं है। हाँ, एक दिन ऐसा जरूर होता है जब स्वयं मिट जाता है व्यक्ति, तब सिवाय भगवान के कोई दिखाई नहीं पड़ता, तब ऐसा नहीं होता कि पत्थर में भगवान है, तब ऐसा होता पत्थर कहाँ, भगवान ही है। आप फर्क समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि पत्थर में, पौधे में भगवान है, पौधा भी है और उसमें भगवान भी है, ऐसा नहीं होता है। तब ऐसा होता है पौधा कहाँ गया, पत्थर कहाँ गया, पहाड़ कहाँ गया, क्योंकि जो भी शेष रह गया वह भगवान ही है। तब यह आपके अभ्यास पर निर्भर नहीं है, आपके अनुभव पर निर्भर है। साधना की दुनिया में जो सबसे बड़ा खतरा है वह कल्पना का खतरा है। वह सबसे बड़ा खतरा है कि हम उन सत्यों की कल्पना भी कर सकते हैं जिन सत्यों का अनुभव होना चाहिए। अनुभव और कल्पना में भेद है। एक आदमी दिन भर खाना नहीं खाता है तो रात सपने में भोजन कर लेता है, और जहाँ तक भोजन सपने में करने का संबंध है, सपने में बड़ी तृप्ति मिल जाती है भोजन करने की, शायद जागते में इतना आनंद नहीं आता जितना सपने में भोजन करने में आता है, क्योंकि जितना चाहे जैसा चाहे वैसा भोजन कर लेता है, लेकिन सुबह उठ करके उस भोजन से पेट नहीं भर जाता है, न उस भोजन से खून बनता है, न उस अगर सपने के भोजन पर आदमी जिंदा रहने लगे
तो आज नहीं कल मरेगा, जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि सपने का भोजन कितनी ही तृप्ति देता हो फिर भी वह भोजन नहीं है, वह रक्त नहीं बन सकता, वह मांस नहीं बन सकता, वह हड्डी मज्जा नहीं बन सकता। सपने में सिर्फ धोखा ही बनता है, और सपने के भोजन होते ही नहीं है। सपने के भगवान भी होते हैं, सपने का मोक्ष भी होता है, और सपने की शांति भी होती है, सपने के सत्य भी होते हैं। और आदमी के मन के सबसे बड़ी क्षमता जो है वह खुद को धोखा दे सकने की क्षमता है। इस तरह के धोखे में पड़ने से कभी भी आनंद को और मुक्ति को उपलब्ध नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपसे यह नहीं कहता हूँ कि सब में भगवान देखना शुरू करें, मैं आपसे सिर्फ यह कहता हूँ आप भीतर देखना शुरू करें वहाँ क्या है। जब आप भीतर देखना शुरू करेंगे कि वहाँ क्या है, तो सबसे पहले जो व्यक्ति विदा हो जाएगा वह आप सबसे पहले विदा हो जाएंगे। आप नहीं बचेंगे वहाँ भीतर, पहली दफा आप पाएंगे कि यह मेरे होने का बड़ा भ्रम था कि मैं हूँ, यह तो खो गया, यह तो विदा हो गया। भीतर जागते ही मैं पहले विदा होता है, अहंकार पहले विदा होता है। असल में हमने झांक करके नहीं देखा है, तभी तक मालूम है कि मैं हूँ। इसीलिए हम भीतर झांक करके देखने में डरते भी हैं। भीतर झांक करके देखें कहीं खो ना जाए। आपने कभी देखा होगा कोई आदमी एक मशाल हाथ में ले ले और जोर जोर से घुमाने लगे तो एक फायर सर्कल बन जाता है, एक अग्निव्रत बन जाता है, और दिखाई पड़ने लगता है का आग का एक गोल घेरा है। गोल घेरा कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक मशाल है जो जोर जोर से घूम रही है। अगर आप पास जाकर के गौर से देखें तो गोल घेरा मिट जाएगा, रह जाएगी मशाल, लेकिन तेजी से घूमने की वजह से मशाल गोल घेरा मालूम होती है। आग का दूर से देखने पर लगता आग का व्रत है, गोल घेरा है कहीं भी नहीं, लेकिन दिखाई पड़ता है। अगर निकट जाकर के पहचाने तो पता चलेगा जोर से घूमती हुई मशाल है, व्रत झूठ है, अग्निव्रत झूठ है। ऐसे ही भीतर अगर हम गौर से जाकर के देखेंगे तो पता चलेगा ये मैं बिल्कुल ही झूठ है। तेजी से घूमती हुई चेतना के कारण मैं का भ्रम पैदा हो जाता है, जैसे तेजी से घूमती हुई मशाल के कारण व्रत का भ्रम पैदा हो जाता है। यह एक वैज्ञानिक सत्य है जो समझ लेना चाहिए। शायद आपको ख्याल भी ना हो हमारे जीवन के सारे भ्रम तेजी से घूमने के भ्रम है। दीवार ठोस है, दिखाई पड़ती है, पत्थर पड़ा है पैर के नीचे, कितना साफ है और ठोस है, लेकिन वैज्ञानिक क्या कहते हैं, ठोस पत्थर जैसी कोई चीज ही नहीं, हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्या आपको पता है वैज्ञानिक मैटर के पदार्थ के जितने पास गया उतना ही पदार्थ विलीन हो गया। जब तक दूर था तो समझता था कि पदार्थ है, और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक की घोषणा करता था कि पदार्थ ही सत्य है। अब वैज्ञानिक ही कहता है कि पदार्थ तो है ही नहीं, तेजी से घूमते हुए विद्युत के कण इतनी तेजी से घूम रहे हैं, उनके तेजी से घूमने की वजह से ठोसपन का भ्रम पैदा होता है, ठोसपन कहीं भी नहीं है। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाता हूँ। जैसे बिजली का पंखा जोर से घूमता है तो उसकी तीन पंखुड़ियाँ दिखाई नहीं पड़ती है, फिर कोई गिन करके नहीं बता सकता है कि पंखुड़ियाँ कितनी है। तेजी से घूमे और तेजी से घूमे तो हमें लगेगा एक टीन का गोल चक्कर घूम रहा है, पंखुड़ियाँ दिखाई नहीं पड़ेगी। इतनी तेजी से घुमाया जा सकता है कि उसके ऊपर आप बैठ भी जाएं तो आपको ऐसा पता न लगेगा कि पंखुड़ियाँ बीच में से आ रही है जा रही है, आपको ऐसा ही लगेगा मैं किसी ठोस चीज पर बैठा हूँ। अगर इतनी तेजी से घूमे एक पंखुड़ी जाए उसके पहले दूसरी पंखुड़ी आपके नीचे आ जाए तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपके बीच बीच में पंखुड़ियों के बीच का खड्डा भी आता है। पंखा इतनी तेजी से घूमे तो आपको पता नहीं चलेगा। पदार्थ इतनी ही तेजी से घूम रहे हैं, उसके कण, और कण पदार्थ नहीं है, कण सिर्फ विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वह तेजी से घूम रही है, घूमने की वजह से ठोसपन का भाव दे रही है। सारा पदार्थ सिर्फ तेजी से घूमती हुई ऊर्जा का फल है, दिखाई पड़ता है कहीं भी नहीं। ठीक ऐसे ही चित्त की ऊर्जा,
एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस इतनी तेजी से घूम रही है कि मैं का भ्रम पैदा होता है। तो दो भ्रम है जगत में, एक पदार्थ का भ्रम, मैटर का भ्रम, और दूसरा मैं का भ्रम, ईगो का, अहंकार का भ्रम। और ये दोनों भ्रम एकदम ही झूठे हैं। इनके पास जाने से ही पता चलता है कि ये नहीं है। विज्ञान पदार्थ के पास गया तो पदार्थ विलीन हो गया, और धर्म मैं के पास गया तो मैं विदा हो गया। धर्म की खोज है मैं नहीं है, और विज्ञान की खोज है पदार्थ नहीं है। जितने निकट जाते हैं उतना ही भ्रम टूट जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं भीतर जाएं, निकट करीब भीतर से देखें, वहां कोई मैं है। और मैं नहीं कहता हूं कि ऐसा मान लें कि मैं नहीं हूं, अगर मान लिया तो झूठ हो जाएगा। मैं नहीं कहता हूं, मेरी बात अगर मान करके आप चल गए और आप सोचने लगे मैं नहीं हूं, अहंकार झूठ है, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, अहंकार नहीं है, तो आप गड़बड़ में पड़ जाएंगे, क्योंकि आप यह दोहरा रहे हैं और झूठ ही दोहराएंगे। तो आप दोहराएं नहीं, आप भीतर जाएं, देखें, पहचानें। जो पहचानता है, देखता है, वह पाता है कि मैं नहीं है। फिर कौन है? जब मैं नहीं हूं तो कोई तो है। मेरे न होने से भी कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि भ्रम को जानने के लिए भी तो कोई चाहिए। भ्रम भी पैदा हो जाए उसके लिए भी तो कोई चाहिए। मैं नहीं हूं फिर कौन है? फिर जो शेष रह जाता है उसका अनुभव ही परमात्मा का अनुभव है। लेकिन उसका अनुभव एकदम विस्तीर्ण हो जाता है। मैं गिरते ही तू भी गिर जाता है, वह भी गिर जाता है, फिर एक सागर ही रह जाता चेतना का। उस स्थिति में दिखाई पड़ेगा कब परमात्मा ही है। तब तो शायद यह कहना भी शायद गलत मालूम पड़े कब परमात्मा ही भी है, क्योंकि यह कहना भी पुनरुक्ति है। पुनरुक्ति भी इसीलिए कह रहे हैं कि जो है उसी का दूसरा नाम ईश्वर है का ही दूसरा नाम ईश्वर है। इसीलिए ईश्वर है, ऐसा एक ही चीज को दोहराना है, एक ही बात को दोबारा दोहराना है, ये बात ठीक नहीं है। ईश्वर है का क्या मतलब? हम उस चीज को कहते हैं जो नहीं भी हो सकती है। हम कहते हैं टेबल है, क्योंकि कल टेबल नहीं हो सकती है, कल टेबल नहीं थी, जो चीज नहीं थी फिर नहीं हो सकती है, उसको है कहने का मतलब है कोई? ईश्वर न तो ऐसा है कि वह कभी नहीं था, और न ऐसा हो सकता है कि वह कभी नहीं होगा, उसे है कहने का भी कोई मतलब नहीं। वह है ही, असल में जो भी है उसका ही वह दूसरा नाम है, और होने का ही दूसरा नाम है परमात्मा, अस्तित्व का ही दूसरा नाम है परमात्मा। अगर इस दुनिया में ठीक ठीक धर्म निर्माण करने की स्वतंत्रता हो तो जितने आदमी होंगे उतने ही धर्म होंगे, उससे कम नहीं हो सकते। वह तो ठीक ठीक स्वतंत्रता भी नहीं है। हिंदू बाप अपने बेटे को इसके पहले के स्वतंत्र हो जाए हिंदू बना डालता है, मुसलमान बाप अपने बेटे को उसको पहले को उसमें बुद्धि आए मुसलमान बना देता है, क्योंकि बुद्धि आने पर न कोई हिंदू बनेगा न कोई मुसलमान बनेगा। इसलिए बुद्धि के पहले ही सारी बेवकूफियां उसके अंदर डाल देने की जरूरत है। इसीलिए सब बाप उत्सुक हैं, जब बेटा छोटा हो तभी से धर्म की शिक्षा हो जानी चाहिए उसकी, क्योंकि कल वह जवान हो जाएगा तो सोचने लगेगा, फिर दिक्कत देगा, फिर विचार आएगा, 25 प्रश्न खड़े हो जाएंगे और 25 प्रश्नों के उत्तर नहीं हो पाएंगे, फिर वह ऐसी बातें करेगा जिनको हल करना मुश्किल हो जाएगा। उसके खून में धर्म डाल दिया जाए तब होश नहीं रहता, तब समझ नहीं रहती, कुछ भी ना समझी सिखा दो बस सीख लेता। एक आदमी मुसलमान हो जाता है, एक हिंदू, एक जैन, एक बौद्ध, जो भी सिखाओ वह आदमी हो जाता है, क्योंकि बुद्धि पास में नहीं होती। इसीलिए हम जिसको धार्मिक आदमी कहते हैं वह अक्सर बुद्धिहीन पाया जाता है, उसमें बुद्धि होती नहीं। और जिसको हम धर्म कहते हैं वह बुद्धि के होने से पहले ही पकड़ ली चीज है, बुद्धि आने पर भी वह जकड़े रहती है, वह पंजा जकड़ लेती है हमारे भीतर से। हिंदू मुसलमान से लड़ता हुआ देखा जाता है, ईश्वर के नाम पर लड़ता हुआ देखा जाता है। क्या ईश्वर भी बहुत प्रकार के? हिंदू का ईश्वर अलग ढंग का है, अगर मूर्ति तोड़ जाए तो हिंदू के ईश्वर का अपमान हो जाता है, और मुसलमान का ईश्वर कोई और तरह का है, अगर मस्जिद तोड़ दी जाए, आग लगा दी जाए तो उसके अल्लाह का अपमान हो जाता है। ईश्वर तो उसका नाम है जो है,
वह मस्जिद में भी उतना ही है जितना मंदिर में है, वह बूचड़ खाने में भी उतना है जितना मंदिर में है, वह शराब घर में भी उतना ही है जितना मस्जिद में है, वह चोर के भीतर भी उतना ही है जितना महात्मा के भीतर है, वह रत्ती भर भी कम नहीं, वह हो भी नहीं सकता। आखिर चोर के भीतर कौन होगा अगर परमात्मा न होगा? राम के भीतर भी उतना ही है जितना रावण के भीतर, रत्ती भर भी कम नहीं हो सकता रावण के भीतर। हिंदू के भीतर भी उतना ही है जितना मुसलमान के भीतर है। अगर हम यह मान लें सभी के भीतर वही है, तो फिर एक फूल में हिंदू भी ईश्वर देखे और मुसलमान भी, क्योंकि उस फूल में हिंदू अपना ईश्वर डालेगा, मुसलमान अपना अल्लाह डालेगा। हिंदू मुसलमान तो दूर की बातें हैं, पास पास की दुकानों में भी झगड़े होते हैं। जब तक दुनिया में पक्के हिंदू और पक्के मुसलमान हैं, तब तक एकता नहीं हो सकती। ये पक्के हैं तो एकता नहीं हो सकती, यही झगड़े की जड़ है। लेकिन झगड़े की जड़ दिखाई नहीं पड़ती है। ये समझा रहे हैं लोगों को कि सबको एक हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं जानते एक हो कैसे सकते। जब तक भगवान अलग अलग है, जब तक मंदिर अंदर मंदिर अलग अलग है, जब तक प्रार्थनाएं अलग अलग हैं, सत्य के शास्त्र अलग अलग हैं, किसी का कुरान पिता है, किसी की गीता माता है, तब तक ये उपद्रव बंद नहीं हो सकता। लेकिन इसको तो हमने पकड़ लिया, ये बिल्कुल सच्ची बात है। हम कहते हैं कुरान की आयत पढ़ो लोगों को समझाओ एक हो जाओ, गीता के वचन पढ़ो लोगों को समझाओ कि एक हो जाओ, लेकिन हमें पता नहीं गीता के वचन और कुरान की आयत झगड़े की जड़ में है। आप अपने घर के परमात्मा से बचने की कोशिश करना। आपके घर में आप परमात्मा नहीं ढाल सकते, और ढाला हुआ परमात्मा निपट धोखा होगा। मैं नहीं कहता हूं कि आप परमात्मा का आरोपण करें। आप क्या करेंगे परमात्मा के नाम से, क्या आरोपण करेंगे? अगर कृष्ण का भक्त देखेगा तो वह यही देखेगा कि झाड़ में बांसुरी बजाने वाले भगवान छिपे हैं, और धनुर्धारी भगवान वाला भक्त धनुर्धारी को देखेगा, कोई कुछ और देखेगा, कोई कुछ और देखेगा। और यह जो देखना है, ये हमारी इच्छाएं, हमारे विचारों को थोपना है, ऐसा भगवान नहीं है। हमारे विचार इच्छाओं को थोपने से तो भगवान का पता भी नहीं चल सकता। हमें तो मिटना ही पड़ेगा, अपने सब विचार, अपने सब आरोपण लेकर के डूब ही जाना पड़ेगा, हमें तो खत्म ही होना पड़ेगा। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। मेरे रहते भगवान का अनुभव असंभव है, मुझे विदा होना ही पड़ेगा तभी उसका अनुभव हो सकता है। ये दोनों एक साथ नहीं होगा। मैं रहते हुए भगवान के द्वार पर प्रवेश नहीं हो सकता। एक कहानी के द्वारा इसको स्पष्ट करता हूं। एक आदमी सब कुछ छोड़कर के भगवान के द्वार पर पहुंच गया। सब कुछ छोड़कर के, धन छोड़कर, पत्नी छोड़कर के, मकान छोड़कर, बच्चे छोड़कर, समाज छोड़कर, सब छोड़कर के भगवान के द्वार पर पहुंच गया। लेकिन द्वारपाल ने उसे हाथ से रोक लिया और कहा, अभी भीतर मत आ जाना, जाओ पहले छोड़ करके आओ। उस आदमी ने कहा, मैं सब छोड़ करके आ जाऊं? तो द्वारपाल ने कहा, मैं को तो कम से कम छोड़ जरूर साथ लाए, और सब से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ मैं से मतलब हो, और तुम कहते हो मैं सब छोड़ करके आ रहा हूं, हमें सबसे कोई मतलब नहीं, हमें तो मैं से मतलब है, जाओ मैं छोड़ करके आओ। तो आदमी कहता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरी झोली खाली है, न धन है, न पत्नी है, न बच्चे है, कोई भी मेरे पास नहीं है। वह द्वारपाल कहता है, कम से कम तुम्हारी झोली में तुम तो हो, उसको छोड़ करके आओ। यह द्वार बंद है उनके लिए जो मैं को लेकर के आते हैं, यह द्वार सदा से ही उनके लिए बंद है। लेकिन हम मैं को कैसे छोड़ दें? अगर हम मैं को छोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो ये मैं कभी छूटने वाला नहीं, छूटने वाला ही नहीं है, क्योंकि मैं कैसे छोड़ूंगा, मैं को मैं कैसे छोड़ूंगा, मैं ही मैं को कैसे छोड़ूंगा, यह तो हो ही नहीं सकता। यह तो ऐसा ही है कोई अपने जूतों के बंदों से
अपने को उठाने की कोशिश करे तो मुश्किल में पड़ जाएगा। मैं को कैसे छोड़ूंगा, सब छोड़ने के पीछे मैं फिर बच जाऊंगा। तो यहाँ तक हो सकता है कि एक आदमी कहने लगे कि मैंने सब अहंकार छोड़ दिया, मेरे पास अहंकार नहीं है, मगर इसके पास भी मैं है। अहंकार को छोड़ने का भी एक अपना अहंकार है। तो क्या करे आदमी, बहुत मुश्किल की बात है। मुश्किल की बात नहीं है, इसीलिए मैं छोड़ने को नहीं कहता हूं, मैं आपसे कुछ भी करने को नहीं कहता हूं, क्योंकि कुछ भी करोगे तो मैं ही मजबूत होता है। मैं तो सिर्फ भीतर जाकर के जानने को कहता हूं कि देखें मैं कहां है। अगर होगा तो उसको छोड़ने का कोई उपाय नहीं है, ही तो छोड़ेंगे क्या? अगर नहीं है तब भी छोड़ने का कोई उपाय नहीं, तो क्योंकि जो नहीं है उसको छोड़ेंगे कैसे?